हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एल्प्स गुडनेस स्विस लव पाउडर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। इसके क्या यूज़ेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आज मैं आपसे वो सारी बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, मेरे पास है कुल 4 एल्प्स गुडनेस स्विस लव पाउडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कुल 4 मैंने परचेस किया है दोस्तों, और एल्प्स गुडनेस के पाउडर्स आपको सिर्फ और सिर्फ purple.com पे ही मिलेंगे। इसके अलावा और आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। सो चलिए अब हम इनकी पैकेजिंग वगैरह देख लेते हैं एंड देन डिटेल में इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये है चारों के चारों एल्प्स गुडनेस स्विस लव पाउडर्स। सो मेरे पास है सबसे पहले सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर, एंड देन है मेरे पास लेमन पाउडर यानी कि नींबू के छिलके का पाउडर है, एंड देन है मेरे पास ऑरेंज पील पाउडर यानी संतरे के छिलके का पाउडर है, एंड देन है मेरे पास लिकोराइस पाउडर, लिकोराइस पाउडर है यानी कि मुलेठी। सो दोस्तों, इनको मैंने purple.com से परचेज़ किया है और ये आपको purple.com पे ही मिलेंगे। हाँ, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 100 rupees का डिस्काउंट मिलेगा अपने फर्स्ट परचेज़ पे, एंड अगर आप 600 के अबव परचेज़ करते हैं तो आपको 100 rupees का ऑफ मिलेगा और वो आपका पहला परचेज़ होना चाहिए। तो अगर आप परचेजिंग पहली बार कर रहे हैं पर्पल से, तो आप मतलब मेरे रेफरल कोड से आप पहली बार परचेज कर सकते हैं। इस रेफरल कोड को एक सिंगल पर्सन एक ही बार यूज़ कर सकता है दोस्तों। सो रेफरल कोड स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा आपको एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए अब हम बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं सैंडलवुड पाउडर। सो दोस्तों, ये है सैंडलवुड पाउडर। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 150 grams एंड इसका प्राइस है 180 rupees। 3 years की शेल्फ लाइफ के साथ आता है ये दोस्तों। ये जो पाउडर है यानी कि ये जो चारों के चारों पाउडर्स है, ये आप अपनी स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप अपने हेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज हेयर पैक। सो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके और भी डिटेल्स। एंड ये जो सारे के सारे पाउडर्स है, ये आपको 3 sizes में मिल जाएंगे, 50 gram, 150 gram एंड 250 gram। तो मैंने सैंडलवुड वाला 150 gram परचेज़ किया है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट यू नो आउट ऑफ स्टॉक होते, जल्दी मिलता नहीं है। एंड सो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ये क्या क्लेम करता है। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, ये दैट एलिमिनेट कैंसर कॉजिंग फ्री रेडिकल्स विच आर अ मेजर कॉज ऑफ अर्ली एजिंग एंड इलनेस। तो ये कैंसर कॉजिंग फ्री रेडिकल्स को यू नो डिस्ट्रॉय करता है, एंड ये एजिंग से बचाता है और स्किन इलनेस से भी बचाता है। एंड ये स्ट्रेस रिलीविंग है, कामिंग है, एनर्जाइजिंग है। ये मेलानिन को स्टिमुलेट करता है और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है, एंड ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए है एंड ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये दोस्तों। तो आप इसे हेयर और स्किन दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और चंदन का पाउडर आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। एंड दोस्तों, एल्प्स गुडनेस के जितने भी पाउडर्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सारे के सारे हर्बल, पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री आते हैं। तो आपको एज सच कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी स्किन पर, बालों पर बिल्कुल सेफ है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेमन पाउडर। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 150 ग्राम। ये भी आपको 3 sizes में मिल जाते हैं, 50, 150 ग्राम एंड 250 ग्राम, एंड इसका प्राइस है 180 rupees एंड ये भी 3 years की शेल्फ लाइफ के साथ आता है ये दोस्तों। एंड पैकेजिंग आप देख रहे हैं किस तरीके की पैकेजिंग है इन सब की। एंड ये लेमन पाउडर जो है, ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, आपकी जो डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, ब्लेमिशेस हो गए हैं, उनको लाइटन करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर करता है, क्योंकि लेमन में यू नो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। विटामिन सी आपकी स्किन की रंगत को निखारने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप एकदम से गोरे हो जाओगे, मगर 1 to 2 tone आपको ऑब्वियसली फेयर स्किन देता है। एंड ये हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, डैंड्रफ को हटाता है, एंड ये 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और ऑल स्किन टाइप, ऑल हेयर टाइप्स के लिए है ये दोस्तों। ये है लेमन पाउडर। नेक्स्ट है लिकोराइस पाउडर यानी कि मुलेठी पाउडर। 50 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। ये भी आपको 3 sizes में मिल जाता है, 150 ग्राम, 250 ग्राम एंड 50 ग्राम। एंड 250 ग्राम, 150 ग्राम आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने 50 ग्राम वाला परचेज़ किया है दोस्तों। ये भी 3 years की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। इसका प्राइस है 100 rupees। एंड या ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ये भी 100% ऑर्गेनिक है, ऑल स्किन टाइप्स है, मिनरल्स, विटामिंस रिच है। ये हेयर को रिवाइटलाइज करता है। और मुलेठी पाउडर का सबसे अच्छा काम पता है आपको क्या दोस्तों? ये आपके फेशियल हेयर को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। मुलेठी पाउडर से अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो अपने चेहरे पे,
तो ये आपके फेशियल हेयर्स, चेहरे पे जो बाल होते हैं उनको दिन ब दिन रिमूव करता है दोस्तों। बुलेठी पाउडर बहुत अच्छा है फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर तो आपको पता ही होगा ये कितना अच्छा है। खैर 50 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, प्राइस है इसका 70 रुपये। एंड इसकी शेल्फ लाइफ के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है दोस्तों यहाँ पे। एंड ये आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, स्कैल्प को भी थोरोली क्लीन करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड आपको सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन देता है। ये भी 100% ऑर्गेनिक है, ऑल स्किन टाइप्स है, ऑल हेयर टाइप्स प्रोडक्ट है ये। एंड ऑरेंज पील पाउडर रिच इन विटामिन सी होता है, ये आपकी रंगत को निखारने में मदद करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है एंड नेचुरली आपकी स्किन को लाइट एंड वाइट एंड ब्राइटन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं ये कुछ कार्डबोर्ड टाइप का इसका कागज़ के टाइप की इसकी पैकेजिंग है। एंड ये जो आते हैं ना, इनको मैंने यूज़ किया है एक्चुअली एक बारी, तब मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ एंड मैं आपको इसका डेमो भी दूंगी दोस्तों। एंड ये कुछ इस तरीके का आता है, ये है इसका पाउडर और ये पाउडर इस तरीके का नहीं आता, अंडर में प्लास्टिक में रैप होता है बहुत ही अच्छे से, तो मैंने प्लास्टिक को निकाल दिया है और ये यहाँ से इस तरीके से सील हो जाता है। तो सारे की पैकेजिंग बिल्कुल इसी तरीके की, अंदर में प्लास्टिक में रैप आपको पाउडर्स मिल जाएंगे एंड ये यहाँ से सील होती है। तो आप पाउडर्स को निकाल कर किसी कंटेनर में रख लीजिए या फिर आप इसमें रख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। एंड या सो दोस्तों, अब मैं इससे बनाने वाली हूँ पैक, हेयर पैक भी आपको बनाकर दिखाऊंगी और मैं फेस पैक भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। और इन पाउडर्स को आप एज फेस पैक, फेस स्क्रब, फेस वॉश, बॉडी स्क्रब, बॉडी पैक एंड हेयर पैक के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एक चम्मच, सारी चीज़ें आपको इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। सबसे पहले मैं आपको हेयर पैक बनाकर दिखाऊँगी, तो मैं लिकोराइस पाउडर यानी कि मुलेठी पाउडर ले रही हूँ एक चम्मच। एंड आप अपने हेयर लेंथ या फेस के अकॉर्डिंगली जितना आपको बनाना है आप उतना बना सकते हैं। एंड देन मैं ले रही हूँ एक चम्मच लेमन पाउडर एंड या उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक चम्मच सैंडलवुड पाउडर एंड देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ लेमन पाउडर। बात करूँ इनके फ्रेग्रेंस की तो फ्रेग्रेंस इनकी बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। लेमन वाले में तो फ्रेग्रेंस है, सैंडलवुड वाले में फ्रेग्रेंस है, ऑरेंज पील वाले में फ्रेग्रेंस है, बट लिकोराइस यानी कि मुलेठी पाउडर में तो फ्रेग्रेंस ही नहीं है, तो बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस उसमें नहीं है और इनकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी इरीटेटिंग नहीं है। सो दोस्तों, इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ मेरे किचन से, तो देखते रहिए। सो दोस्तों, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच बेसन। बेसन भी आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। अगर आप इसमें बेसन भी ऐड करोगे तो आपको बेसन के भी गुण मिल जाएंगे इसमें एंड ये पैक और भी ज़्यादा गुणकारी हो जाएगा आपके बालों के लिए भी एंड आपके फेस के लिए भी। और आपको पता है कि बेसन से बहुत लोग अपने हेयर को शैम्पू भी करते हैं। सो या ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस हेयर पैक को बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी एलोवेरा जेल। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं मगर मैं केसर चंदन एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं यहाँ पर केसर चंदन एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ हमेशा और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर रोज़ वाटर। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चम्मच रोज़ वाटर लूँगी और अब मैं कर लूँगी इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स। और अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो आप इसमें, अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी थोड़ा सा प्लेन वाटर। प्लेन वाटर भी हमें एक चम्मच के लगभग ही लेना है दोस्तों। सो या एक चम्मच के लगभग मैंने इसमें प्लेन वाटर ले लिया है और अब मैं करने वाली हूँ इसे अच्छे से मिक्स। और इसको आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। सो दोस्तों, ये हमारा हेयर पैक बनकर तैयार है। आप इसे अपने बालों पे फ्रॉम रूट टू द टिप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको इसको स्कैल्प पे भी अप्लाई करना है और आपको इसको अपने पूरे बालों के लेंथ पे भी अप्लाई करना है। ये आपके बालों से डैंड्रफ को रिमूव करेगा, स्कैल्प को नरिश करेगा, बालों को सॉफ्ट स्मूद एंड शाइनी बनाएगा एंड प्लस हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं अगर हमको इसको हेयर पैक बनाना है तो, या अगर आपको फेस पैक बनाना है तो भी हमको इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, बट फेस पैक को और भी ज़्यादा
गुणकारी और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम इसमें एक दो चीज़ और ऐड करेंगे, वो क्या है वो आप देखते रहिए। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन की कुछ बूंदें। ग्लिसरीन आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये ना स्किन को डीपली नरिश करता है दोस्तों। तो आपको ग्लिसरीन अगर आप ऐड करोगे ना तो ये आपकी स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा एंड बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, ग्लॉसी सा यू नो ग्लोई बना देता है आपकी स्किन को। तो ग्लिसरीन को हमें इसमें ऐड कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हनी। सो दोस्तों अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच हनी। और हनी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाहे आप डाबर हनी ले लीजिए, पतंजलि का हनी ले लीजिए, किसी भी ब्रांड का हनी ले लीजिए। और इसमें फिर मैं ऐड करूँगी एक चम्मच कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। तो दोस्तों अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच रॉ मिल्क एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी एक चुटकी हल्दी। सो दोस्तों अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चुटकी हल्दी जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब ये फेस पैक पूरी तरीके से बनके तैयार है। आप इसे एज अ फेस पैक यूज़ करिए, आप इसे एज अ फेस स्क्रब यूज़ करिए, आप इसे एज फेस वॉश यूज़ करिए, बॉडी स्क्रब बॉडी वॉश की तरह बॉडी पैक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपकमिंग ब्राइड है, ब्राइड टू भी आपकी शादी होने वाली है तो आपको तो इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये स्किन को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ हेल्दी ग्लोइंग स्किन देता है ये आपको। डेफिनेटली आपको इसको ट्राई करना चाहिए। इससे स्किन एक यू नो वन यूज़ में ही आपको फ़र्क देखने को लगेगा। अभी मैं आपको फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यू नो माहिरा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, जो भी बोल रही है इस पाउडर के बारे में बिल्कुल सच बोल रही है। तो ये फेस पैक हमारा बनकर तैयार है और अब मैं इसको करूँगी अपने फेस पर अप्लाई और तब आप देखेंगे कि ये फेस पर कितना अच्छा ग्लो देता है। सो दोस्तों अब मैं करने वाली हूँ इसको अप्लाई। उससे पहले मैं अपने हेयर को अच्छे से ट्राई कर लूँगी एंड देन मैं इस फेस पैक को अप्लाई करूँगी। मैं इसे एज अ फेस पैक ही अप्लाई करने वाली हूँ। हमें इसे अप्लाई करना है नीचे से ऊपर की ओर। फेस पैक आप जब भी अप्लाई करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करें। अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करने से आपकी स्किन भी नेचुरली टाइटन होती है। और मैं इसे कर लूँगी अच्छे से अप्लाई एंड अगर आपको फेस वॉश की तरह यूज़ करना है तो आप सिंपली इसे इस तरीके से लगा कर और हल्के हाथों से मसाज कर कर आप इसको यू नो एज़ फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और नेक पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। मैं अभी इसे नेक पर भी अप्लाई करूँगी एंड अंडर आई में भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अंडर आई में भी ये बहुत ही सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देगा एंड डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करने में मदद करेगा। सो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने नेक पर भी इसको अप्लाई कर लिया है और मैं इसे रखने वाली हूँ 15 मिनट्स तक। 15 मिनट्स में ये आराम से ड्राई 15 मिनट्स में ये आराम से ड्राई हो जाएगा दोस्तों। और चलिए मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। एंड मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड इस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है। स्क्रब करने के लिए आपको इसको हल्के हाथों से आप इसे स्क्रब भी कर सकते हैं दोस्तों। 15 मिनट हो चुके हैं, ये पैक बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है एंड अब मैं इसे करूँगी रिमूव एक गीले टॉवल से। आप इसे चाहे तो सिंपली वॉशरूम में जाकर धो भी सकते हैं या फिर फेशियल वाइप से भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। एंड आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है। मेरे फोरहेड पे टैनिंग हो गई थी दोस्तों और इसने यू नो मैं इसे सेकेंड टाइम अप्लाई कर रही हूँ एंड दूसरी बार में ही इसने मेरी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो दिया है। आप देख सकते हैं माय स्किन इज़ लुकिंग सो रेडियंट एंड ये इतना अच्छा ग्लोइंग लुक देता है। स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है, इससे बहुत ही ज़्यादा प्लम फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। इसको लगाने के बाद रिलैक्सिंग महसूस होता है एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेडियंट और ग्लोइंग लगती है इसको अप्लाई करने के लिए। सो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव से ज़रूर शेयर करिएगा, खास करके उनसे जिनकी हाल में शादी होने वाली है या फिर हो गई है, या फिर आप इसे कोई भी ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट इसे मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। और ये ऑल स्किन टाइप्स पाउडर्स हैं, ये पाउडर से आपको कोई भी ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है। सेंसिटिव स्किन एंड यू नो ऑयली स्किन सारे लोग इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। और इनमें बहुत वैरायटी आती है, आंवला पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, आप पर्पल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और इन चारों का बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।